Assalamualaikum everyone, I hope that everyone is doing good. So ये video काफी ज़्यादा important होने वाली है, because in this video I'm gonna teach you guys how you can use affiliate marketing using TikTok, how you can do affiliate marketing using TikTok, and I will also show you कुछ ऐसे affiliate program जैसे share and sale हो गया, impact हो गया, CJ हो गया, और मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप लोग ज्वाइन करके अच्छे खासी अर्निंग कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग पिंटरेस्ट एंड टिकटॉक। आए चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। जो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे वो हम शेयर आ सेल से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि शेयर आ सेल क्या है, फिर इम्पैक्ट को देखेंगे, फिर सीजे को देखेंगे, फिर स्लोली एट द एंड हम टिकटॉक एफिलिएट मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शेयर आ सेल की तरफ। मैं इस पर जाता हूँ, लॉगिन करता हूँ, अफिलिएट का लॉगिन डालता हूँ। लॉगिन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। बेसिकली ये इन्फिनिट पार्टनरशिप वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर किस्म का आपको प्रोग्राम मिलेगा। इट्स इधर रिलेटेड टू द ब्यूटी, इट्स रिलेटेड टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप एक बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं, आप जिनको भी प्रमोट करेंगे दे आर गोना गिव यू कमीशन। मैं आपको दिखाता हूँ आपने कैसे करना है। सबसे पहले मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, एफिलिएट लॉगिन करता हूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ हाउ इज़ इट गोइंग फॉर मी और किस तरीके से ये काम करता है। ये एक मेरा डैशबोर्ड है विच इज़ बेसिकली आप देख सकते हैं 0.01 ये होता है, बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड आउट, इतना मुझे इसमें टाइम नहीं हो गया, कल परसों मैंने स्टार्ट किया था। तो जहाँ तक मर्चेंट्स की बात आती है मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा रिपोर्ट्स, मर्चेंट लिंक्स, टूल्स, अकाउंट, पेमेंट। मर्चेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ सर्च फॉर मर्चेंट्स। सर्च फॉर मर्चेंट्स के अंदर क्या होगा कि मुझे अलग अलग एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। देखिए मेरे सामने कितने ज़्यादा खुल गए हैं, एंड दे आर आल्सो ऑफरिंग 5-10% ऑफ कमीशन, 30% कमीशन इसके अंदर है। देखें डीलक्स बिजनेस प्रोडक्ट के अंदर आप जाके इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं कि ये क्या बेच रहे हैं और ये आपकी मतलब इनको एफिलिएट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। बेसिकली ये लोग बिजनेस चेक्स और ये सारी चीज़ें बेचते हैं, मैनुअल बैंकिंग जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं ना ये लोग सेल करते हैं। तो अगर आप इसको प्रमोट कर सकते हैं तो आपको भी अच्छा खासा कमीशन देंगे। और एवरेज जो इसका ईपीसी चल रहा है वो $400 है विच इज रिलेटेड टू 500 समथिंग। अगर आप चाहते हैं कि आप स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर जाके करें तो आप यहाँ पे आके कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग के कोई प्रोडक्ट उठा सकते हैं, हेल्थ का प्रोडक्ट भी उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ के प्रोडक्ट में मैं गया तो ये देखिए मेरे सामने कितने ज़्यादा प्रोडक्ट आ गए हैं। एग वाइट इंटरनेशनल ये 10% सेल से 12% सेल देते हैं, ये 15% सेल देते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम यू कैन जस्ट प्रीटी मच सर्च कुछ भी, तो आप लोग को सामने आ जाएगा कि आप लोग कौन सा अफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करें और आप लोग अर्निंग कर सकते हैं इससे। डेफिनेटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के। फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ये रियल स्टेट का जो ये है प्रोग्राम है इसे मैं अफिलिएट करूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छी मुझे सेल मिल सकती है। तो आप जाके सबसे पहले चेक कर सकते हैं ये है क्या, स्विफ्ट फिलिंग्स क्या है। बेसिकली ये देखें स्विफ्ट फिलिंग एक कॉर्पोरेशन है, ये आपको LLC वगैरह फाइल करके देती है। तो अगर आप इन लोग के साथ एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ओपन करते हैं तो आपको $100 पर सेल ये लोग देंगे, ठीक है। तो ये था शेयर सेल के बारे में। और पार्टनर प्रोग्राम पे अगर हम जाते हैं ना यहाँ पे इम्पैक्ट के ऊपर, इम्पैक्ट पे भी यही सीन है सेम, ठीक है। आई एम गोना शो यू गाइस, इट्स द सेम एज शेयर सेल। लेकिन इम्पैक्ट के अंदर क्या है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम सच एज कैनवा, होस्टिंगर एंड नेम चीज, यू नेम इट। आपको ब्रांड्स खुद अप्रोच करते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो दे वोंट अप्रोच यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर आई हैव लॉट ऑफ ब्रांड्स विद मी, ये मैंने कल परसों अकाउंट अप्रूव कराया है। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों को अपनी डिटेल ठीक डालनी होती है, जैसे मैं आपको बताया था कि किस तरह से अकाउंट क्रिएट करेंगे। सिंपल इसका अकाउंट क्रिएट करना इतना मसला है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ब्रांड्स पे जाता हूँ, फाइन ब्रांड्स पे जाता हूँ, तो मुझे इतने ब्रांड्स यहाँ पे मिलेंगे ना, यकीन करें हर किस्म का ब्रांड मेरे पास होगा। वेदर इट्स रिलेटेड टू द क्रिएटिव साइड, कुछ भी आप सोचें ना आपको ब्रांड मिलेगा। आप इनको गूगल एड्स के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। पेड मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं इसकी, फिर फ्री मार्केटिंग भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके ऊपर है कि आप लोग किस तरीके से इसे प्रमोट करना चाहते हैं। ये जो है ये थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, चलो इम्पैक्ट है, इजी है, शेयर सेल बहुत इजी है, लेकिन जो सीजे है उस पर क्या हो सकता है कि आप जब अकाउंट बनाओ, साइन अप करो, तो उस पर आपसे दो चीज़ें पूछेगा, एडवर्टाइजर एक्सपैंड योर ब्रांड्स रीच
पब्लिशर पार्टनर विद द वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड्स। अब आपके पास दो चीजें आ जाती हैं, वो आपको बोलता है कि आप एडवर्टाइजर हो या आप पब्लिशर हो। आपने पब्लिशर पे क्लिक करना है, ये राइट वाले पे, बिकॉज वी आर पब्लिशर एंड वट वी आर गोना डू, वी आर गोना टेक कमीशन फ्रॉम ईच ब्रांड एंड वी, अगर हम इन्हें प्रमोट करते हैं तो हम इनसे कमीशन लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, आफ्टर दैट ईजीली हमें वो रीडायरेक्ट कर देगा पूरे प्रोसेस की तरफ। काफ़ी ईजी है, यहाँ पे आपसे वो पूछता है कंपनी का नाम क्या है, तो आपने डरना नहीं है, ठीक है, आपने अपना नाम डालना है, विच मीन्स दैट आपका अपना खुद का नाम, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपसे पूछता है कि सिंपल आपसे पूछता है कि आपका ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड डालें, फिर कंफर्म करें, फिर यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई कर दें। तो अभी मैं बात करूंगा टिकटॉक अफिलिएट मार्केटिंग की। सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मेरा भाई है, तो बेसिकली उसको मैंने एक सिंपल सा आइडिया दिया था कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाओ, बेशक आप वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन हमेशा याद रखो ब्रांडिंग का ख्याल रखो, क्रिएटिव साइड का ख्याल रखो। एंड वट ही हैव डन इज एब्सोल्यूटली ब्लोइंग गाइज। ही हैज गॉट 2.3 मिलियन लाइक्स विद 41,000 फॉलोअर्स, अलॉन्ग विद हर वीडियो के ऊपर 2 मिलियन व्यूज, 7,000 व्यूज, 10K व्यूज। देखें ये 2 मिलियन पे है, अगर मैं इससे नीचे जाऊँ तो ये भी 1 मिलियन पे है, एंड 1 मिलियन पे है ये भी। एंड दिस इज क्रेजी गाइज, बिकॉज वट ही इज डूइंग गाइज, ही इज जस्ट पोस्टिंग सम पिक्चर्स शोइंग द प्रोडक्ट्स, एंड ये उसके लिंक है। अगर मैं इस बायो पे क्लिक करता हूँ, देखो उसने हाउ ही ऑर्गेनाइज इट, आई लव डेट गाइज, बिलीव मी। ये देखें इट्स प्रिटी सिंपल, उसको मैंने कुछ इतना नहीं बताया, उसको मैंने बस गाइड किया कि आप लोग ये करो, तो उसने भी लिंक डाला हुआ है किसके अंदर, लिंक ट्री के अंदर। लेकिन उसका देखें प्रोफेशनलिज्म, देखें कितना है उसका, उसने प्रोफेशनल तरीके से किया, दैट्स वाई ही सक्सीडिंग। सीधी बात है, बिकॉज डेली उसको 200-300 ऑर्डर आ रहे हैं इसके ऊपर, एंड विद दैट ही इज अर्निंग अप टू $200 to $300 पर मंथ जस्ट बाई डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग ऑन टिकटॉक, ठीक है। टिकटॉक पे भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन आपको ब्रांड बनाना पड़ता है। देखिए अब उसने डायरेक्ट लिंक नहीं डाला, उसने bit.ly करके डाला है। bit.ly कैसे करके डाला है मैं आपको बताता हूँ। bit.ly के ऊपर अगर आप जाएं तो bit.ly पे जब क्लिक करते हैं तो ये लिंक शॉर्टनर है, तो उसने पूरा लिंक पेस्ट नहीं किया, यहाँ पे आके पूरा लिंक पेस्ट करके प्रोफेशनल तरीके से उसने किया है। एंड उसको मैंने कोई पर्सनल कोचिंग नहीं दी, मैंने जस्ट उसको बताया कि आप भाई ये करो ये करो, एंड ही हैव डन इट सक्सेसफुली। देखें ये उसने कल पोस्ट किए, फिर ये उसने परसों पोस्ट किया, एंड ही इज एक्टिवली गुड विद द पोस्टिंग, ठीक है। तो देखें हाउ प्रोफेशनल ही इज, मैं खुद परेशान हो गया हूँ, इसने बहुत अच्छा किया है, अल्लाह ताला कामयाब करे इसको। लेकिन द थिंग इज दैट इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव समथिंग लाइक दैट, यू हैव टू रियली वर्क। वो डेली डेली एडिटिंग के अंदर तकरीबन पूरे पूरा दिन लगाता है, एंड ही इज नॉट अ प्रोफेशनल है इवन, उसने कभी ऐसा काम नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में होता है तो अल्लाह ताला आपको अता लाजिम करता है, दैट्स द थिंग। और बात यह है कि उसने एक तरीका आजमाया है, उसने ये नहीं है कि उसके प्रोफेशनलिज्म, देखिए उसने अपने यूजर नेम भी सही रखा है, बायो भी ठीक रखी है, फिर फोटोज भी डाल रहा है, वीडियोस भी डाल रहा है, अच्छी तरीके से डाल रहा है ना, ब्रांडिंग करके डाल रहा है, लगातार नहीं डाल रहा। आप लोग डालते हैं तो आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं डालते, आप किसी की गाड़ी की डाल रहे हैं, फिर आप डालते हैं ऑटोमेटिव की डालते हैं, फिर आप स्किन केयर की डालते हैं, तो ऐसे जब आप करेंगे तो आपसे कभी भी कोई बाई नहीं करेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इन्फ्लुएंसर अकाउंट पे जाता हूँ, ये अमेजोन का जो है, अमेजोन शॉप का, देखें हाउ ऑर्गेनाइज, इसने कितने आइटम ऑर्गेनाइज किए हैं। यहाँ पे हेयर एंड बॉडी के अंदर 85 हैं, ज्वेलरी के अंदर 185 हैं, इट्स मोर देन 2,000-3,000 आइटम्स दैट ही हैव पुट हियर। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि बिकॉज ही इज प्रीटी मच सीरियस अबाउट दिस थिंग, दैट्स व्हाई ही इज डन इट। तो जैसा मैं आप लोग को बताता हूँ, जो मेरी प्रीवियस शुरू वाली वीडियो थी उधर से आप लोग देखो अंदाजा मिल जाता कि आप लोग को स्टार्ट करने के लिए जस्ट एक चीज चाहिए, वो ये है कि आपको सिंपल तरीका पता होना चाहिए। आपने एक टिकटॉक अकाउंट क्रिएट किया, शुरू में आपको ये बायो नहीं मिलेगी, बिकॉज टिकटॉक की पॉलिसी के हिसाब से अगर आपके फॉलोअर्स 200 है, 300 है, 400, अगर आपके फॉलोअर्स 1,000 से ऊपर ऊपर हैं और 1,000 हैं, तो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट द लिंक इन साइड योर बायो, अदरवाइज यू वॉन्ट, दैट्स द केस। बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वट आई एम ट्राइंग टू से, दैट्स द होल केस, ठीक है गाइज। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रोफेशनल तरीके से अकाउंट बनाना है, उसको प्रोफेशनलिज्म दिखाना है, ताकि जो बंदा आए टिकटॉक पे, अब इसकी जितनी भी टारगेट ऑडियंस है, आई एम प्रिटी श्योर ये टीनेज गर्ल्स हैं, यंग यंग वुमेन्स हैं, तो उससे क्या होता है कि
दे वर डेफिनेटली लुकिंग ऑन टिकटॉक टू बाय आइटम्स लाइक दिस, ठीक है। तो क्या होता है, वहाँ पे क्लिक करके जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए उसने एक और भी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। जब वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से भी वो बाय कर सकते हैं, अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि जरूरी नहीं है कि अमेजोन का आपने एफिलिएट प्रोग्राम इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है। आप और भी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। इसीलिए मैंने आपको पीछे जितने भी प्रोग्राम दिखाए हैं इसीलिए दिखाए हैं कि आप लोग की सोच महदूद ना रहे अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा पॉइंट था कि आप देखिए, फॉर एग्जांपल ये तो मेरा पर्सनल जानने वाला बंदा था, इसको मैं ऐसे कट करता हूँ। अब है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये सेम नहीं कर सकते तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने आप को प्रेजेंट करें। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपने आप को शो कर सकते हैं स्क्रीन पे तो इट्स द बेस्ट थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जैसे ये लड़की कर रही है, ठीक है, इसके व्यूज देखें 1 मिलियन, बिकॉज द ब्यूटी इंडस्ट्री इज समथिंग रियली अमेजिंग, ठीक है। आप लोगों को कॉन्टेंट, अब मुझे बहुत सारे कमेंट आएंगे कि हम कंटेंट कैसे बनाएं। देखिए, कंटेंट बनाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपकी रिसर्च, ठीक है। आप ऐसे इन्फ्लुएंसर, आप 100 इन्फ्लुएंसर ऐसे इकट्ठे करें, इकट्ठे करने के बाद उनको देखें कि वो क्या कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। जस्ट कॉपी इन द स्मार्ट वे, नॉट इन द डम्ब वे। इफ यू कॉपी इन द डम वे, वट यू आर गन डू, यू आर गन रून एवरीथिंग। सो इससे बेहतर है कि आप लोग जाएं, आप लोग थोड़ा एफिलिएट मार्केटिंग करें एंड यू कैन अर्न प्रीटी मच अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन आपको वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होगा, बिकॉज अमेजोन जो है कमीशन बहुत थोड़ी पे करता है। लेकिन उसके साथ साथ, अमेजोन के साथ साथ आप दूसरे इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकते हैं ब्यूटी के, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरी ऑडियंस इनसाइट है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे कि ये फेक है, मैं 2-3 दफा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये एड ब्लॉकर मैंने लगाया, इसको छोड़े। अब ये देखें, मैं नीचे मैं आपको दिखाता हूँ सबक। ये है कि अब मेरी जो टोटल इंगेज्ड ऑडियंस मैं आपको दिखाऊं 30 दिन तक, यहाँ पे टोटल ऑडियंस दिखाऊं तो 10,000 मेरे पास बंदे हैं, ठीक है। व्हिच मीन्स दैट कि वो टोटल जो सर्च कर रहे हैं डिजाइन के रिलेटेड है। तो मैंने जो अपना पिंटरेस्ट बनाया था, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन साइड। ये देखें कितनी अच्छी ट्रैफिक आ रही है, ऑडियंस देखें कितनी, आर्किटेक्ट, डिजाइन, कोड, पेरेंटिंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, आर्ट, होम डेकोर, एवरी सिंगल थिंग इज बूमिंग। ये देखें मेरी ये जो टारगेट ऑडियंस की एज है, व्हिच इज बिटवीन 18 टू 24, और ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है मुझे, ठीक है। व्हिच मीन्स दैट कि देखें, जो मेरा सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है यूएस से आती है, नहीं अदर कंट्री से आती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी जो डिवाइसेस हैं, सबसे ज़्यादा आईफोन लोग यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड पे भी आती है, वेब पे भी आती है। विच मीन्स दैट सबसे ज़्यादा लोग वेब पे यूज़ करते हैं। वेब पे यूज़ करने का मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्च करते हैं थ्रू द वेब, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, आपको ये दिखाने का मकसद ये था कि आप लोग भी शुरू करें, आपका किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, ठीक है। यू कैन प्रिटी मच ग्रो ऑन एवरीथिंग। ये देखिए, ये मैंने पोस्ट लगाई है डिफरेंट, इस पे व्यूज चेक करें। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं काफी टाइम से कर रहा हूँ पिंटरेस्ट के ऊपर भी। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैंने होस्ट का एक बनाया था तो इस पे भी मुझे क्लिक्स आया था। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं क्लिक करूँ, शायद मेरे ख्याल से लिंक एक्सपायर हो गया, बिकॉज इट्स बीन अ लॉट ऑफ टाइम। और देखें ये ब्लू होस्ट का लिंक खुल गया है, ये देखें आपके सामने ब्लू होस्ट का लिंक खुल गया। जो बंदा भी इधर से परचेज करेगा होस्टिंग, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो मैंने भी अच्छे खासे एफिलिएट प्रोग्राम्स यहाँ पे किए हुए हैं, और अच्छी खासी मार्केटिंग की हुई, और अच्छा खासा बिजनेस किया हुआ है इसके ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट्स हैं। अगर कोई बंदा बोलता है फेक है तो मैं 2-3 दफा कर देता हूँ, और आप लोग मेरा ये यूजर नेम भी जाके सर्च कर सकते हैं पिंटरेस्ट में, एंड यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आया हो, आप लोग को ये पता चला हो कि एफिलिएट मार्केटिंग एक खाली अमेजोन इन्फ्लुएंसर तक या अमेजोन अकाउंट तक महदूद नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग वेरी वेरी ब्रॉड। अगर आप लोग नहीं करना चाहते पिंटरेस्ट से, आप लोग डोमेन बाई करके डायरेक्टली .com पे जाएं, आप लोग अपना एक ब्लॉग बनाएं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ब्यूटी के कुछ ब्लॉग दिखाता हूँ जो आप लोग देख के परेशान हो जाएंगे, ठीक है। ब्यूटी के ब्लॉग आप लोग बना लें, ठीक है। ब्लॉग बनाने के बाद आप लोग गूगल के अंदर रैंक करें, उसको रैंक करने के बाद आप जैसे भी आपको क्लिक्स आएंगे, हर चीज आएंगे, आपकी चीजें बिकेंगी, आपकी चीजें सोल्ड सेल होंगी। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, हर बंदा नहीं करना चाहता, दैट्स द थिंग। अब देखें, इस बंदे ने पूरा ब्लॉग लिख के ही नीचे लिंक लगाया, योर ऑर्डर हेयर। ये देखें, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा, कहाँ पे, अमेजोन पे डायरेक्ट कर देगा। देखें तो ये इसका किंडल एडिशन है। तो इट मीन्स दैट एफिलिएट मार्केटिंग हर जगह में है, ठीक है। लेकिन यू नीड टू डू, यू नीड टू अप्रो, यू नीड टू लाइक, आपको ना बहुत अच्छी अप्रोच के साथ आना पड़ता है। वेदर यू आर डूइंग ऑन टिकटॉक, ब्लॉगिंग, पिंटरेस्ट, कहाँ पे भी आप कर रहे हैं ना, आपने एक सेल्स चैनल लाजिम
ढूंढना है और उस पर फिर मार्केटिंग करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मैंने डिटेल बताया होगा कौन कौन से प्रोग्राम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए 2024 के अंदर आने वाले बेस्ट हैं, और मैंने एफिलिएट मार्केटिंग टिकटॉक के बारे में भी आपको बताया कि टिकटॉक पे आप लोग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैंने जो 1000 वाला है, जो लिंक इन द बायो वाला है, वो भी मैंने आपका मसला क्लियर किया है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज, और ख्याल रखिए अपना। अगर कुछ ना समझ आए तो कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली आंसर, और अगर कोई मसला हो तो यू कैन जस्ट रीच मी आउट ऑन माई इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आई विल बी वेरी कंसिडर विद द वीडियोस। अब ये वीडियो है तो इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद एक और भी वीडियो आने वाली है एफिलिएट मार्केटिंग अमेज़न के लिए, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू सो मच।